आज हम एनसीआरटी की कक्षा बारह के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ पांच पृष्ठ रसायन का अध्ययन करेंगे इस भाग में हम कुछ भौतिक एवं रासायनिक परिघटनाएं जैसे कि विलयन, जेल इमल्शन उत्प्रेरण एवं अधिशोषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन के प्रथम भाग में हम सर्वप्रथम अधिशोषण के बारे में जानेंगे अधिशोषण मुख्यतः किसी भी ठोसीय सतह पर होने वाली एक अभिक्रिया है प्रश्न रसायन सतह या अंतरा पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं से संबंधित क्षेत्र है बहुत सी ध्यान देने वाली योग्य महत्वपूर्ण परिघटनाएं जैसे संक्षारण इलेक्ट्रोड प्रक्रम विषमांगी उत्प्रेरण विलीनीकरण एवं क्रिस्टलीकरण अंतरा पृष्ठ पर परिलक्षित होती है का कार्य एवं दैनिक जीवन की परिस्थितियों में कई अनुप्रयोग पाता है मुख्यतः अधिशोषण केवल किसी भी स्थूल के सतह से संबंधित होता है अधिशोषण के मुख्यतया दो घटक होते हैं अधिशोष्य एवं अधिशोषक अधिशोष्य वे पदार्थ होते हैं जो गैस या द्रव हो सकते हैं और वे अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होते हैं अधिशोषक वे पदार्थ हैं जिनकी सतह पर अधिशोषण संपन्न होता है जैसे प्लेटिनम पैलेडियम निकल सिलिका जेल जिलेटिन स्टार्च इत्यादि इसी प्रकार दूसरी एक भौतिक परिघटना अवशोषण है जिसमें कोई भी ठोस या द्रव के निकाय में पूर्णतया समान रूप से कोई भी गैस अथवा वितरित हो जाता है इस घटना को अवशोषण कहते हैं इसी प्रकार शोषण जिसमें अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों साथ साथ चलते हैं विशोषण एक विपरीत प्रक्रिया है जिसमें अधिशोषित पदार्थ सतह से हट जाता है अधिशोषण एवं अवशोषण में मुख्यतः निम्न प्रकार से अंतर देखने को मिलेंगे अधिशोषण जिसमें केवल अधिशोषक की पर ही अभिक्रिया संपन्न होती है, जिस पर अधिशोष्य सांद्रित होता है जबकि अवशोषण में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है अधिशोषक के पृष्ठ पर सांद्रता संपूर्ण स्थूल की तुलना में भिन्न होती है जबकि अवशोषण में संपूर्ण स्थल में समान रूप से वितरित होती है अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र होता है क्योंकि उसकी सभी जो साइट होती है सतह की साइट होती है वो मुक्त होती है इसलिए प्रारंभ में तीव्र होता है परंतु जैसे जैसे अधिशोषण की प्रक्रिया चलती रहती है उसी प्रकार उसकी प्रक्रिया धीमी होने लग जाती है जबकि अवशोषण समान गति से होता है उदाहरण स्वरूप हम सिलिका जेल पर जलवाष्प का अधिशोषण देख सकते हैं चारकोल भी एक प्रमुख अधिशोषक है जबकि कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जलवाष्प का अवशोषण अवशोषण की उदाहरण कहलाता है अधिशोषण की क्रियाविधि इसकी क्रियाविधि इस बात पर आधारित है कि अधिशोषक के स्थूल में आंतरिक सतह में जो कण होते हैं वो सभी चारों तरफ से पूर्ण रूप से सभी बलों से संतुलित रहते हैं परंतु बाहरी कण केवल अंदर की तरफ से घिरे रहते हैं एवं बाहर की तरफ से किसी भी बल से घिरे नहीं होते हैं जिस कारण इन पर एक असंतुलित आकर्षण बल कार्य करता है जिसके कारण से पृष्ठ पर होने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं अधिशोषण के रूप में देखी जाती हैं जबकि स्थूल में चूंकि सारे कण समान रूप से सभी दिशाओं में समान रूप से संतुलित बल कार्य करने की वजह से वहां पर किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया देखने को नहीं मिलती है अधिशोषण के 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 प्रकार अधिशोषक और अधिशोषक और मध्य बलों के आधार पर हम अधिशोषण को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण भौतिक अधिशोषण में मुख्यतया कोई भी गैस या कोई भी द्रव किसी भी ठोस या सतह पर अविशिष्ट रूप से अधिशोषित होता है जिसकी कोई विशिष्टता नहीं होती है ये किसी भी गैस का ठोस की सतह पर अधिशोषण हो सकता है जबकि रासायनिक अधिशोषण में कुछ विशिष्ट प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होता है जो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है जिसके लिए कुछ सकृण ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में तुलना भौतिक अधिशोषण जैसा कि आप देख सकते हैं कि वांडरवाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है जबकि रासायनिक अधिशोषण जिसे रसाव शोषण भी कहा जाता है रासायनिक बंद बनने के कारण होता है जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है क्यों क्योंकि अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य कुछ विशिष्ट प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती जबकि भौतिक अधिशोषण में इस प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है इसलिए यह प्रकृति में विशिष्ट भी भी नहीं होता है। कोई भी गैस या द्रव किसी भी ठोसीय अधिशोषक सतह पर अधिशोषण दिखा सकती है क्योंकि यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है क्योंकि भौतिक अधिशोषण में वरवाल दुर्बल बंध पाए जाते हैं अतः यह है उत्क्रमणीय होता है मतलब अधिशोषण एवं विशोषण दोनों विद्यमान यहाँ पे होते हैं जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है क्यों क्योंकि इस प्रक्रम को होने के लिए एक सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो मिलने के पश्चात एक मजबूत बंद का निर्माण होता है इसी प्रकार यह भौतिक अधिशोषण गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है इसका मतलब यह है कि भौतिक अधिशोषण में आसानी से द्रवित होने वाली गैसें भौतिक अधिशोषण ज्यादा प्रदर्शित करती हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य अधिशोषक से रासायनिक अभिक्रिया दिखाते हैं वे रासायनिक अधिशोषण प्रदर्शित करती हैं अथवा रसाव शोषण दर्शाती है क्योंकि भौतिक अधिशोषण में वांडरवाल्स बंद पाए जाते हैं जो कि दुर्बल होते हैं अतः इसकी एंथेल्पी का मान भी कम होता है जबकि रासायनिक अधिशोषण में मजबूत रासायनिक बंध पाए जाते हैं इसलिए इसकी एंथेल्पी का मान भौतिक अधिशोषण की तुलना में अधिक होता है जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 से किलो जूल किलोजूल मोल है जबकि रासायनिक अधिशोषण में 30 से 240 किलो जूल किलोजूल मोल तक एंथेल्पी का मान प्रदर्शित होता है भौतिक अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर टूट सकते हैं इसलिए जैसे जैसे ताप बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे भौतिक अधिशोषण की दर भी कम होती चली जाएगी जबकि रासायनिक अधिशोषण के लिए प्रारंभ में उच्च ताप सहायक होता है एवं उसके पश्चात ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण की दर भी कम होने लग जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रारंभ में उच्च ताप करने पर उस रासायनिक अभिक्रिया जो कि अधिशोषक एवं अधिशोषक के मध्य पाई जाती है उसके लिए आवश्यक सकृण ऊर्जा ताप से प्राप्त होती है एवं एक बार जब रासायनिक बंद का निर्माण हो जाता है उसके पश्चात यदि हम दोबारा से ताप को बढ़ाएंगे तो फिर बने हुए रासायनिक बंध फिर से टूटने लगेंगे इसलिए बाद में रासायनिक अधिशोषण की जो दर है वो ताप के व्युत होती है इसी प्रकार भौतिक अधिशोषण में जो भौतिक अधिशोषण की जो दर है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है इसी प्रकार उच्च दाब अधिशोषक के पृष्ठ पर बहुअणुक परत का निर्माण करता है जबकि रासायनिक अधिशोषण में केवल एक अणुक परत का निर्माण होता है जिसे हम मोनोलेयर कंसेप्ट भी कहते हैं विभिन्न कारकों का अधिशोषण पर प्रभाव सर्वप्रथम इसमें अधिशोषक की प्रकृति एक महत्वपूर्ण कारक है अधिशोषक की प्रकृति अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि अधिशोषक की सतह पर मिलने वाले अणुओं पर असंतुलित बल कार्य करता है इसलिए पृष्ठीय सतह जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक अधिशोषण हमें देखने को मिलेगा इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे क्षेत्रफल अधिशोषक का अधिक होगा वैसे वैसे अधिशोषक की अधिशोषण की दर भी बढ़ेगी इसलिए इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि यदि कोई भी अधिशोषक चूर्ण रूप में काम में लिया जाए तो उसमें अधिशोषण की मात्रा सर्वाधिक होगी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चूर्ण रूप में पृष्ठ क्षेत्रफल ठोसीय सतह की तुलना में अधिक होता है दूसरा है अधिशोष की प्रकृति। वह है जो अधिशोषक पर अधिशोषित होता है जैसे अगर हम अधिशोष के रूप में गैस लेते हैं तो वह गैस के क्रांतिक ताप के समानुपाती होती इसे हम गैसों की अणुगतिक समीकरण में भी पढ़ते हैं कि जैसे जैसे गैसों का क्रांतिक ताप बढ़ता है उसका द्रवीकरण करना सहज होता है इसलिए यदि किसी भी गैस के लिए क्रांतिक ताप का मान अधिक होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक अधिकतम रेंज में उसका द्रवीकरण किया जा सकता है या मैं कह दूं कि उसे आसानी से ध्रुवीकृत करना संभव होगा एवं द्रवीकरण क्या होता है कि जब कोई गैस किसी अधिशोषक पर अधिशोषित हो होती है अतः हम कह सकते हैं की क्रांतिक ताप बढ़ने के साथ साथ उसका अधिशोषण भी बढ़ता है इस सारणी में आप देख सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन CO2, टू एस सी एल अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए क्रांतिक ताप का मान हाइड्रोजन गैस से SO2 टू गैस की तरफ जाने पर बढ़ रहा है इसलिए उसी प्रकार इसका अधिशोषण की मात्रा भी उसी क्रम में बढ़ती जा रही है यदि हम द्रव को अधिशोष्य के रूप में लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस द्रव विलयन में जितनी अधिक विलय की सांद्रता होगी वह उतना ही अधिक अधिशोषण प्रदर्शित करेगा ताप का प्रभाव यह एक महत्वपूर्ण कारक है जैसा कि हम जानते हैं कि अधिशोषक एवं अधिशोष्य मिलकर अधिशोषण की प्रक्रिया दर्शाते हैं और हमने पूर्वों में भी देखा कि अधिशोषण चाहे वह भौतिक अधिशोषण हो या रासायनिक अधिशोषण हो दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान मतलब उसकी एंथेल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक होता है ये मतलब कि इस प्रक्रिया में होने पर तंत्र से उष्मा का विसरण होता है या मैं कह उस उष्मा का उत्सर्जन होता है इसलिए ताप बढ़ने पर अधिशोषण भौतिक अधिशोषण के लिए तो कम होता है परंतु रासायनिक अधिशोषण के लिए सर्वप्रथम ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है और बाद में रासायनिक बंद टूटने की वजह से अधिशोषण की मात्रा ताप बढ़ने के साथ साथ कम होती चली जाती है रासायनिक अधिशोषण में सर्वप्रथम ताप बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा इसलिए बढ़ती है क्योंकि शुरू में सक्रिय ऊर्जा उसे ताप बढ़ने से ही मिलती है इसलिए धीरे धीरे ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण का मान बढ़ता है परंतु बाद में जब एक बार रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है उसके पश्चात भी यदि हम तापकामान बढ़ाते रहते हैं तो फिर रासायनिक बंद टूटने की वजह से रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया धीमी होने लग जाती है यहां तक हमने देखा कि अधिशोषण क्या होता है अधिशोषण के क्या प्रकार हैं भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण दोनों में मुख्य अंतर क्या क्या होते हैं जैसा कि हमने जाना भौतिक अधिशोषण प्रमुखतया बंधों के कारण होता है जबकि रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध बनने के कारण होता है इसलिए दोनों में काफी अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है क्योंकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध बनते हैं अतः यह है विशिष्ट प्रकार का है जबकि भौतिक अधिशोषण केवल वाण्डरवाल्स बंधों के कारण होता है इसलिए यह अविशिष्ट प्रकार का होता है यहां पर किसी रस ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती जबकि रासायनिक अधिशोषण में एक पूरी रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है अतः यहाँ पर ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है इसी के साथ साथ अधिशोषण को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं जैसे कि अधिशोषक की प्रकृति अधिशोषक की प्रकृति दाप का प्रभाव ताप का प्रभाव गैसों के क्रांतिक ताप का प्रभाव ये भी हमने जाना यहाँ पर प्रमुख कारक जो कि ताप का प्रभाव है ये हमने देखा कि भौतिक अधिशोषण की, की मात्रा ताप बढ़ने के साथ साथ घटती है जबकि रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ने पर रासायनिक अधिशोषण की मात्रा सर्वप्रथम बढ़ती है बाद में उच्च ताप पर रासायनिक अधिशोषण की मात्रा घटने लगती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंधों का निर्माण होता है तो रासायनिक बंध बनने के लिए एक सक्रण ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि ताप बढ़ने के साथ साथ उन्हें ऊर्जा मिलती है इसलिए सर्वप्रथम रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ने लगती है परंतु जहाँ पर रासायनिक अधिशोषण पूर्ण हो जाता है उसके पश्चात यदि ताप को बढ़ाया जाता है तो चूंकि रासायनिक बंध टूटने लगते हैं इसलिए रासायनिक अधिशोषण भी कम होने लगता है हमने यहाँ तक भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण के बारे में अध्ययन किया दाब का प्रभाव एक महत्वपूर्ण कारक है यहाँ पर हम कुछ अधिशोषण समतापीय वक्र का अध्ययन भी करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं अधिशोषण समतापीय वक्र से अभिप्राय है कि अधिशोषण की दर का दाप के साथ अध्ययन करना परंतु इस प्रक्रिया में ताप को नियत रखा जाता है जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गैस का ठोस पर अधिशोषण सामान्यतः बटे m से प्रदर्शित किया जाता है यहां पर x बाई एम क्या है इसको हम सीधा सीधा अधिशोषण की दर भी कह सकते हैं क्योंकि x के भार को प्रदर्शित करता है जबकि m अधिशोषक के भार को प्रदर्शित करता है कुल मिलाकर x बटे एम अधिशोषण की मात्रा को भी प्रदर्शित करता है सैद्धांतिक रूप से x बटे एम जो कि अधिशोषण की मात्रा है दाब के समानुपाती होती है एवं इस प्रक्रिया के दौरान ताप को नियत रखा जाता है इसीलिए इसे समतापीय वक्र भी कहते हैं आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे इसमें अक्ष पर X by M लिया हुआ है जबकि एक्स अक्ष पर दाब लिया हुआ है और यहाँ पे तीन वक्र खींचे गए हैं जहां पर एक वक्र एक सौ पिचानवे कैलविन ताप पर है जबकि दूसरा दो सौ कैलविन ताप पर तीसरा 273 केल्विन ताप पर तो हम देख सकते हैं कि जैसे-जैसे मैं ताप को बढ़ा रहा हूँ, वैसे-वैसे x/m का मान कम होता चला जा रहा है मतलब यह है कि 195 केल्विन ताप जो कि एक निम्न ताप है उस पर अधिशोषण की मात्रा सर्वाधिक है जबकि 273 केल्विन ताप जो कि एक अधिकतम तापमान है उस पर x/m का मान न्यूनतम है अतः हम कहें सकते हैं कि ताप का मान बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा कम होती चली जाती है समतापी अधिशोषण अधिशोषण। पर दो प्रकार से पढ़ना है। पहला है पहला फ्रेंडलिच समतापीय यह भौतिक अधिशोषण को समझाता है यहां पर अधिशोषक के रूप में ठोस पदार्थ लिए जाते हैं जबकि अधिशोष्य के रूप में गैसीय पदार्थ लिए जाते हैं इसका जो समीकरण है जो इसने व्युत्पन्न किया है वह है x बाई एम बराबर के पी की घात वन बाई एन यहाँ पर k एवं n एक है जो अधिशोषक की प्रकृति के साथ साथ ताप पर भी निर्भर करते हैं इसका मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कुछ शर्तों के साथ x बाई एम दाब की घात वन बाई एन के समानुपाती होती यहां पर हम देख सकते हैं कि यदि उक्त समीकरण का लघु गुणक लिया जाए तो हम देख सकते हैं कि लोग एक्स बाई एम बराबर लोग लोग यहां से इस को देख करके हम यह बता सकते हैं कि यह है एक रेखीय समीकरण का प्रारूप है जिससे अंतःखंड एवं रेखा का जो ढाल है वो हमें कुछ महत्वपूर्ण कारकों की जानकारी देगा फ्रेंडलिच समतापी अधिशोषण మేం ఈ వక్రంను చూస్తాము, దీని యొక్క x-అక్షంపై log p ఉంది, అయితే log x/m y-అక్షంపై ఉంది. ఇది ఒక సరళ సమీకరణం కోసం రూపొందించబడిన వక్రం, దీని అంతరఖండం ఒక స్థిరాంకం log k గురించి సమాచారం ఇస్తుంది, అయితే ఈ రేఖ యొక్క వాలు 1/n మనకు n యొక్క విలువ గురించి చెబుతుంది. 1/n విలువ 0 నుండి 1 మధ్య ఏదైనా కావచ్చు. సాధారణంగా एक बटा एन का मान जीरो दशमलव वन से जीरो दशमलव पांच के मध्य होता है यदि इसी भौतिक अधिशोषण जो फ्रेंडलिच द्वारा अध्ययन किया गया था द्रव माध्यम में लिया जाए इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अधिशोष्य द्रव अवस्था होगी जबकि अधिशोषक ठोस अवस्था होगी तो हम इसमें मुख्य अंतर यह देखेंगे कि यहाँ पर द्रव्य अवस्था में जो कि एक अधिशोष्य है में दाब के स्थान पर सांद्रता का प्रयोग करना पड़ेगा इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि चारकोल एक अधिशोष्य है जबकि रंजकीय विलयन एक द्रव्य अवस्था जो कि अधिशोष्य को प्रदर्शित करती है इसी प्रकार समतापीय अधिशोषण का दूसरा प्रकार है लैंगम्यूर समतापीय वक्र यह मुख्यतः रासायनिक अधिशोषण को प्रदर्शित करता है और एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि लैंगमूर समतापी वक्र केवल एक परतीय अधिशोषण होता है इसका मतलब यह है कि रासायनिक अधिशोषण जैसा कि हम पहले भी इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक अधिशोषण एक परतीय अधिशोषण होता है जबकि भौतिक अधिशोषण बहु अधिशोषण बहुपरतीय होता है। सन 1916 में लैंगम्यूर ने यह परिकल्पना दी कि अधिशोषित गैस एक अणु से ज्यादा गहराई वाली परत नहीं बना सकती क्योंकि रासायनिक अधिशोषण होने के लिए अधिशोषक की जो सतीय साइट होती है उस पर इनका रासायनिक बंद बनाना आवश्यक होता है जबकि भौतिक अधिशोषण में इस प्रकार का कोई बंद हमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए भौतिक अधिशोषण में बहुपरतीय अधिशोषण होता है जबकि यहाँ यह केवल एक परत तक ही सीमित रहता है क्योंकि दूसरा परिकल्पना यह है कि अधिशोषित अणुओं के मध्य कोई आकर्षण नहीं होता एवं सतह पर उपस्थित कोई भी साइट इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसकी पड़ोसी साइट से जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है अधिशोषित और मुक्त में गतिक रहते हैं। मतलब क्या कि अधिशोषण की दर एवं वाष्पीकरण की दर एक दूसरे के सामने में होती है अधिशोषण का मतलब अधिशोष्य अधिशोषक पर अधिशोषण दिखाता है जबकि वाष्पीकरण का मतलब कि अधिशोषित हो, हो चुके जो अणु है वो वापस विशोषित हो जाते हैं तो दोनों के मध्य एक गतिक साम्य बना रहता है रासायनिक अधिशोषण होने के लिए अधिशोषक की सतह पर उपस्थित साइट जो अधिशोषण के लिए जिम्मेदार है वो सभी अधिशोष्य अणुओं के लिए समान रूप से उपलब्ध होती हैं लैंगमूर समतापी वक्र जो हमें रासायनिक अधिशोषण अथवा एक परतीय अधिशोषण को समझाता है वह समीकरण यहां पर प्रदर्शित है यहाँ पर यदि ठोस पदार्थ अधिशोषक के रूप में तथा गैस अधिशोषक के रूप में लिया जाता है तो व्युत्पन्न समीकरण निम्न प्रकार है x/m ap 1 hp यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अधिशोषण की मात्रा कुछ शर्तों के साथ दाब के समानुपाती होती है यहाँ पर a तथा b विशिष्ट ताप पर विशिष्ट निकाय के नियतांक हैं। जबकि यही प्रक्रिया यदि द्रव अधिशोष्य एवं ठोस अधिशोषक के साथ दोहराई जाए, तो यह समीकरण में कुछ बदलाव आते हैं पर दाब की जगह हमें सी देखने को मिलता है सी यहां पर सांद्रता को प्रदर्शित करता है तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि लैंगमूर अधिशोषण वक्र भी फ्रेंडली समतापी वक्र का समर्थन करता है क्योंकि निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के सीधे समानुपाती होती है जो कि प्रथम कोटि गति की को प्रदर्शित करता है जबकि उच्च ताप पर जबकि उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती है जो कि हमें शून्य कोटि गति की प्रदर्शन करता है अतः हम कह सकते हैं कि लैंगमूर समतापी वक्र रासायनिक अधिशोषण एवं एक प्रति अधिशोषण को प्रदर्शित करता है जबकि फ्रेंडलिच समतापी वक्र बहुप्रति अधिशोषण अथवा भौतिक अधिशोषण को प्रदर्शित करता है अधिशोषण के अनुप्रयोग अधिशोषण के अनुप्रयोग या मैं कह दूं कि इनका इस प्रक्रिया का उपयोग हमें व्यवहारिक जीवन में काफी स्थान पर देखने को मिलता है जैसे कि किसी भी स्थान पर यदि हमें उच्च निर्वात उत्पन्न करना है गैस मास्क का निर्माण करना हो आर्द्रता नियंत्रण में हो किसी भी विलयन से रंगीन पदार्थ को हटाना हो विषमांगी उत्प्रेरण हो अक्रिय गैसों का पृथक्करण हो कठोर जल को मृदु करना हो पानी का व्यायनीकरण करना हो रोगों के उपचार में हो झाग उत्प्लावन प्रक्रम जो कि मैं कह दूं कि मेटलर्जी का एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है इत्यादि में हमें अधिशोषण के अनुप्रयोग देखने को मिलते हैं आज हमने इस भाग में देखा कि अधिशोषण क्या होता है अधिशोषण के कितने प्रकार होते हैं जैसा कि भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण अधिशोषण एवं किन-किन कारकों पर निर्भर करता है अधिशोषण जैसा कि दाब ताप अधिशोषक की प्रकृति एवं साथ ही साथ हमने कुछ समतापी वक्र का भी अध्ययन किया जैसे फ्रेंडली समतापी वक्र लैंगम्यूर समतापी वक्र इन दोनों ही वक्र में x/m जो कि अधिशोषण की मात्रा को प्रदर्शित करता है दाब के समानुपाती होता है परंतु इस प्रक्रिया में हमें ताप को नियत रखना पड़ता है क्योंकि जैसे-जैसे ताप बढ़ता चला जाएगा वैसे-वैसे x/m अर्थात अधिशोषण की मात्रा घटती चली जाएगी एवं साथ ही साथ हमने अधिशोषण के अनुप्रयोगों का भी अध्ययन किया हम इसके द्वितीय भाग में उत्प्रेरण के बारे में जानेंगे उत्प्रेरण क्या होता है उत्प्रेरण के कितने प्रकार होते हैं जैसे समांगी उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण उत्प्रेरण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है उसकी क्रियाविधि क्या होती है और उनके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं इस बारे में भी अध्ययन करेंगे आज के लिए इतना ही सभी को नमस्कार